हेलो फ्रेंड्स, मैं संजू। मेरी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कार्डिगन डिजाइन लाई हूँ जो आपसे शेयर करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं कार्डिगन बनाई हूँ 3 से 4 इयर्स की बेबी के लिए कार्डिगन बनाई हूँ मैं। ठीक है, ये डिजाइन डाली हूँ मैं इस तरह की। ये डिजाइन PPC पाइप पर बनती है या फिर आप स्केल पर भी बना सकती हैं। और ये सिंपल सा बॉर्डर बनाई हूँ मैं। फ्रेंड्स, मैं इस कार्डिगन में 20 डिजाइनें बनाई हूँ। 6 फंदे की 20 डिजाइन बनाई हूँ। आप अपने बच्चों की हेल्थ के अकॉर्डिंग चैन बना लें और फंदे उठाकर डिजाइन बना लें इस तरह से। ये डिजाइन 5 या 6 फंदे की डिजाइन बना सकती हैं आप। देखिए इस तरह से। अब मैं डिजाइन बनाना स्टार्ट करती हूँ। इस तरह से मैं गांठ लगाऊंगी और 36 फंदा उठाऊंगी मैं। देखिए गाइस, ये मैं चैन बना ली। अब मैं ये सारे में से एक एक फंदे उठाऊंगी, 1-1 फंदा करके। PPC पाइप ली हूँ। इस तरह की आपके घर में कोई भी पाइप हो, इस पर डिजाइन बना सकती हैं। ये बहुत अच्छी साइज है, इतनी मोटी पाइप होनी चाहिए। या फिर आप स्केल पर भी डिजाइन बना सकती हैं। इस पाइप पर मैं फंदे उठाकर इस तरह से चढ़ाऊंगी सारे चैन में से, तो एक एक फंदे उठा लूंगी इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, मैं सारे चैन में एक एक फंदे उठा ली हूँ। अब मैं डिजाइन बनाऊंगी। देखिए 6 फंदे में क्रोशिए पर उठाऊंगी, 2, 4, 6 इस तरह से। इसे मैं इस तरह से निकालूंगा। देखिए इसको हल्की इस तरह से पलट कर इस सिंगल क्रोशिया में 6 फंदे बनाऊंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 देखिए, फिर मैं 6 फंदे उठाऊंगी इस तरह से, क्रोशिया निकालूंगी। देखिए इस तरह से, और सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। छह फंदे सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लूंगी मैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से डिजाइन बन रही है। उसी तरह मैं 6 फंदे फिर लूंगी। ये PPC पाइप आप इस तरह से निकाल सकती हैं। आपको बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो इस तरह से इसको निकाल कर सेट कर दें और 6 फंदे उठाएं। 2, 4, 6 इस तरह से सिंगल क्रोशिया 6 फंदे बनाऊंगी। 6 फंदे बनाऊंगी। दूसरी रो में मैं 6 इसमें फंदे
उठाऊंगी पीपीसी पाइप पे। इसी तरह मैं पूरी बना लूंगी। आप इसको 5 फंदे में भी बना सकती हैं, अच्छी बनेगी, और 6 में, 5-6 सबसे अच्छी साइज होती है, 7-8 में ज्यादा मोटी हो जाएगी। देखिए इसी तरह 4 बन गई है, 2 और बनेगी। फ्रेंड्स 1 रो डिजाइन बन गई है। देखिए इस तरह फ्रेंड्स ये डिजाइन देखने में आपको लग रही होगी बहुत टफ है, पर बहुत ही इजी डिजाइन है। आप ये डिजाइन घर में बनाए जरूर। देखिए फ्रेंड्स अब मैं दूसरी रो उठाऊंगी। इस तरह से 6 फंदे में बनाई थी, 6 फंदे में बनाई थी, मैं 6 फंदे उठाकर इस पाइप पर चढ़ाऊंगी। ओके इस तरह से 6 सारे में 6 फंदे उठाती चली जाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशिए 6 फंदे में बनाई थी, 6 फंदे हर डिजाइन के ऊपर उठा ली हूँ मैं। ये सारे 6 करके 36 फंदे में उठा ली हूँ। जैसे स्टार्टिंग में 36 थी उसी तरह 36 फिर मैं दूसरी रो में उठा ली हूँ। अब मैं उसी तरह डिजाइन बनाऊंगी। आप इसको इस तरह से फंदे उठा लिए, आप इसको इस तरह से पाइप निकाल लें, इसको देखिए ऐसे बनाने में आपको बहुत इजी हो जाएगी। मैं 6 फंदे ले ली हूँ और इसको इस तरह से मैं उसे बनाऊ। देखिए इस तरह से इसको तिरछी करनी है। सिंगल क्रोशिए में 6 फंदा बनाऊंगी इसमें, 1 2 3 4 5 6 फिर मैं 6 फंदे लूंगी, 2 4 6 दोबारा मैं उसी तरह 6 फंदा लूंगी। एक चीज इस डिजाइन का इस पे फंदे नहीं आने चाहिए और इस डिजाइन का इस पे फंदे नहीं आने चाहिए, नहीं तो आपका डिजाइन खराब हो जाएगी। देखिए अलग अलग शेप दिख रही है। इस तरह से मैं सिंगल क्रोशिए 6 फंदा उसी तरह बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स
टू रो डिजाइन बन गई है। इसी तरह बनती चली जाएगी। फ्रेंड्स ये पूरी डिजाइन टू रो बन गई है, देखिए बहुत अच्छी लग रही है डिजाइन। तीसरी रो में उसी तरह से फंदे उठाऊंगी, उल्टी साइड से फंदे उठाऊंगी और सीधी साइड से डिजाइन बनाऊंगी इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स मैं फोर रो डिजाइन बना ली हूँ इस तरह से। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी लग रही है डिजाइन। फ्रेंड्स आप ये डिजाइन जरूर घर में बनाएं एक बार, और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।